हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओजीसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 18। ओके, सो चैप्टर नंबर 18 है शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, सो इंग्लिश ग्रामर में भी हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। सो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है। रीड दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को रीड करना है। सर्कल द वर्ड्स दैट यू थिंक हैव बीन जॉइंड टुगेदर, और हमें उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो हमें लगता है कि एक साथ जॉइन करके लिखे हुए हैं। ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट वन। इट्स नॉट रेनिंग एनी मोर। सो ये जो इट्स है ये क्या है बच्चों? इट इज, तो जॉइन किया हुआ है किसको? इट्स, इट इज को जॉइन करके क्या बनाया हुआ है? इट। सो ये जॉइन है, इसको हम सर्कल कर देंगे। ओके, लेट्स गो टू द पार्क। सो लेट्स गो टू द पार्क मतलब लेट अस गो टू द पार्क। ओके, सो ये लेट्स। दे'ल गो विद अस, वॉन्ट दे? तो इसका अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म को खोल दूँ, मैं इसको इनके नॉर्मल वर्ड्स में लिखूँ, तो ये है दे विल गो विद बस, विल नॉट दे। ओके, सो दे विल, इसको हम इस तरह से लिखते हैं दे'ल and want। okay, you are coming with us aren't you? so इसको अगर हम इसकी pure form में लिखेंगे, so ये है you are coming with us are not you। so कौन कौन से word join है यहाँ पर? ये दोनों। I am very happy that we can play in the park। so ये यहाँ पर I, उसके बाद apostrophe और फिर m लिखा हुआ है, तो पढ़ने में तो I am है ही, ये है भी I am। okay, सो बच्चों इस तरह से हम कुछ वर्ड्स को शॉर्ट में करके लिख देते हैं। राइट, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द वर्ड्स यू हैव सर्कल्ड? कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। यस, वी सी दैट दीज वर्ड्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली कितने वर्ड्स से बने हुए हैं? दो वर्ड से बने हुए हैं। हैंस वी सी दैट इट्स का मतलब है इट इज, दिल दे विल, आई एम, लेट्स लेट अस, यू आर, डोंट डू नॉट, वॉन्ट विल नॉट, आंट आर नॉट, कांट कैन नॉट। एक्चुअली में ये वाले वर्ड्स हैं, विल नॉट, आर नॉट, कैन नॉट, लेट अस, यू आर, डू नॉट, आई एम, यू आर, दे विल, इट इज। ओके, जब हम इनकी शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो हम इन्हें इस तरह से लिखते हैं। ओके बच्चों, सो व्हेन वी स्पीक वी टेंड टू ग्रुप टुगेदर सर्टेन वर्ड्स। जब हम इन्हें बोलते भी हैं तो हम कैसे बोलेंगे? वॉन्ट, आंट, कांट। ओके, सो इस तरह से बोलेंगे क्योंकि हमने इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, सो दीज शॉर्ट फॉर्म्स एड इम्प्रेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश। सो क्या होता है, क्या फ़ायदा है इन वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में बदलने का? कि बच्चों जब हम इंग्लिश बोलते हैं, हमारी स्पीकिंग इंग्लिश जो होती है वो इम्प्रेसिव लगती है। ओके, सो ये ऐड कर देती हैं शॉर्ट फॉर्म्स उसमें इम्प्रेशन। ओके, सो अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए वी यूज़ दीज टाइप ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। अब आपको ये पता है कि हम इन शॉर्ट फॉर्म्स को क्यों यूज़ करते हैं। राइट शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स, ही हैज। सो कैसे लिखेंगे इसको? ही हैज। ओके, नाउ इट्स कैसे लिखेंगे? इट्स। सो दे आर, दे आर कैसे लिखा जाएगा बच्चों? दे कॉमा आर। ओके, सो ऊपर आप ये कॉमा लगाएंगे। राइट शॉर्ट फॉर्म के लिए वी विल, वी कॉमा एल, वी विल। ओके, आई एम कैसे लिखेंगे? आई कॉमा एम, आई एम। दे हैव, दे हैव। राइट, सो इस तरह से बच्चों
ये लिखा जाएगा. She has. You are, YOU, comma, REUR. Right? चले. They will. You have. Okay? चलो आगे चलते हैं. She is. Okay? He is. Right? So इस तरह से हम इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं. Okay? So you have to learn these short forms. Okay? So write short forms of words containing not. अब जिनमें not होता है उनमें हम शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं. Does not. So हम सबसे पहले लिखेंगे doesn't. Okay? Should not. Shouldn't. Okay? Will not. Won't. Cannot. Can't. Could not. Couldn't. Do not. Don't. Okay? Is not. Isn't. Did not. Didn't. Okay? Am not. Right? Are not. Aren't. Would not. Wouldn't. Need not. Okay? Might not. May not. So, इस तरह से बच्चों लिखी जाती हैं इनकी शॉर्ट फॉर्म्स. ओके? आप ये मेरे साथ उतार सकते हैं यहाँ पर अपनी बुक में. ओके? और आपको ये लर्न करनी होंगी. राइट? सो आगे चलते हैं. सी एक्सरसाइज. री राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. सो आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी है. आई एम गोइंग टू स्कूल. आपको शॉर्ट फॉर्म किसकी बनानी है? आई एम गोइंग. सो आई एम गोइंग टू स्कूल. ओके? यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर. यू आरंट अलाउड टू go there. Okay? Do not make noise at classroom. Don't make noise at classroom. They have a big house. They have a big house. We are going to park. अब हमें वी आर की शॉर्ट फॉर्म दिखानी है यहाँ पे. वी कॉमा आर ई. वी आर गोइंग टू पार्क. ही इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम. सो ही इज को कैसे शो करेंगे बच्चों? ही इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम. They will come tomorrow. They, comma, double L. They will come tomorrow. Okay? She is busy in her work. She, comma, is busy in her वर्क. ओके? सो बच्चों आपको इन्हें लर्न करना है. राइट? चलिए आगे चलते हैं. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ डी एक्सरसाइज. राइट द वर्ड्स दैट फॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन इन ईच सेंटेंस. राइट द वर्ड. यू हैवंट हैड दैट प्रॉब्लम. सो हमने किसको लिखना है? राइट द वर्ड्स दैट फॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन इन ईच सेंटेंस.
यू हैवंट हैड दैट प्रॉब्लम. सो हैवंट क्या होगा ये, यू हैव नॉट. ओके, यहाँ पर हमने इनको ओपन करके लिखना है, शॉर्ट फॉर्म को हम ओपन करेंगे, राइट, उनके रियल फॉर्म में लिखेंगे. आई डोंट रिमेम्बर एवर बीइंग अलोन. डोंट का क्या हो जाएगा, डू नॉट. ओके, आई वॉजंट श्योर वॉट अ रूम ऑफ माई ओन वुड बी लाइक. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉज नॉट. डिडेंट, आई डिडेंट गेट मच फर्नीचर. सो क्या हो जाएगा, डिड नॉट गेट मच फर्नीचर. माई रूम डजेंट हैव एनी पिक्चर्स ऑन द वॉल. सो डजेंट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डज नॉट. माई रूम डज नॉट हैव एनी पिक्चर्स ऑन द वॉल्स. ओके, नाउ री राइट ईच सेंटेंस, रिप्लेस द कलर्ड वर्ड्स विद अ कॉन्ट्रैक्शन. ओके, कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म से. इट इज एन एक्साइटिंग डे. सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट्स एन एक्साइटिंग डे. आई एम गोइंग टू बी इन अ बैंकिंग कॉन्टेस्ट. सो आई एम, राइट, सिंपल, आई एम गोइंग टू बी इन अ बैंकिंग कॉन्टेस्ट. तो हमने इसको कैसे लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. सम चिल्ड्रन डिड नॉट नो अबाउट द कॉन्टेस्ट. सो डिड नॉट की जगह क्या आ जाएगा, डिडेंट. Some children didn't know about the contest. You are bringing two pies. So you are कैसे लिखेंगे, you simple comma r e, you are. My brothers are not baking anything. So सबसे पहले r n comma t, aren't. Okay, now they had not entered the contest. So had n comma t, hadn't. She is punctual about her studies. So she, comma, is. She is. This is not my cup of tea. So isn't. Okay? So इस तरह से बच्चों हमें शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी होती हैं, और शॉर्ट फॉर्म को हम ऐसे नॉर्मल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, राइट? और ये क्यों लिखी जाती हैं, हमारी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए, राइट? और इस कॉम्प्रिहेंशन में हमने क्या करना है, ये है पोएम फन. ओके, सो यहाँ पर आपको एक पोएम दी हुई है एंड वी आर गोइंग टू रिसाइट इट. रीड दिस पोएम गिवन बिलो. ओके, सो पोएम का टाइटल क्या है, जय एंड द एप्पल. सो हेयर जय, कैच दिस एप्पल इन योर हैंड. नो, I will catch it in my hand. Now I have it. What a big apple it is. Let us take some to mom. Yes, she likes them. I will gather some more. We will take them to her in my hand. Here is a very big apple. We will give her this one too. अब बच्चों कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, या तो आपको कोई पोएम दी होती है या आपको कोई पैराग्राफ दिया हुआ होता है, और आपने क्या करना है, आपने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे आपने उनको आंसर करना है, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वेयर डिड जय कैच द एप्पल. कहाँ कैच किया उसने एप्पल, इन हिज हैंड, इन हिज हैट, इन अ नेट, इन अ बास्केट. यस, आपने पोयम में देखा था उसके हाथ में क्या था, हैट, राइट? फॉर हुम डिड जय प्लान टू टेक द एप्पल. जय ने किसके लिए एप्पल ले जाने का प्लान बनाया, हिमसेल्फ, हिज फ्रेंड, हिज मदर और हिज फादर. बताइए जल्दी से. यस, हिज मदर. ओके, नाउ वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. जय कॉट अ बिग, व्हाट जय कॉट, एप्पल, राइट? ओके, ही प्लान्स टू गिव द बिग एप्पल टू हिज मदर. चलिए, ये वाला मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ. आपको फिर से पोयम पढ़नी है और इसका आंसर आप देंगे, राइट? और फोर्थ वन का भी वेरी इजी, आपको ये आंसर्स आपकी पोयम में से ही
मिल जाएंगे. सो इस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.